आज भवानी सफर 10 में मैं गाजीपुर तारापुर की तरफ जा रहा हूँ। आज भवानी सफर 10 में मैं कोई भी आपको दरगाह की ज़ियारत नहीं कराऊँगा। आज स्टार एजुकेशन अकेडमी गाजीपुर तारापुर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, साथ में अहमद नवाज भी है। हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। ये हम लोग 4:20 पर अकबर नगर से निकले हैं। अरे रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा यार, कैसे क्या उधर मल्ला रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखते हैं रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। कर रहे हैं आप, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन आने वाला है। आगे बाएं हाथ पे रेलवे स्टेशन का रास्ता जाता है और दाहिने हाथ पे सुल्तानगंज घाट, जहाँ से कांवरिया जल भर के देवघर के लिए रवाना होते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, सुबह का वक्त है, लोग अभी नहीं निकले हैं। ये स्टेशन की तरफ जाने का रास्ता था, सीधा जा रहा हूँ। सुबह जो नया ब्रिज बनाया उससे क्रॉस करके ब्रिज के बगल से हम लोग जा रहे थे। पेट्रोल लेना था गाड़ी के लिए, लेकिन पेट्रोल पम्प बंद था, इसलिए हम लोग आगे कोई पेट्रोल पम्प देखेंगे तो वहाँ फिर पेट्रोल लेंगे। आइए ब्रिज पर हम चढ़ते हैं। ये ब्रिज है सुल्तानगंज ओवर ब्रिज, जो तारापुर मुंगेर जमुई देवघर के ऊपर जोड़ता है। ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, आपको बताता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंजर है सुबह का। ये रेलवे स्टेशन है सुल्तानगंज का। रमजान है, हनुमान मंदिर के हम पीछे करने वाले हैं। आगे एक लेफ्ट हैंड पे मंदिर है, सुबह लोग निकले हैं टहलने के लिए। दिनों में बहुत भीड़ रहती है रोड पर, सावन आने में बहुत टाइम है। सावन के लिए कांवड़िया के लिए बगल से कच्ची रोड बनाया गया है, काफ़ी भीड़ होने के कारण सरकार ने साइड से लेफ्ट हैंड से बनाया। ये पेट्रोल पंप हम पहुंच गए हैं, ये लिया मैंने और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ।
गायनी बी एड कॉलेज सकून चौधरी का बी एड कॉलेज। अच्छा लगा तो मैं आपको नया वीडियो दिखाएंगे इससे मिलता जुलता। रमज़ान की वजह से मैं ज़्यादा अपनी तारापुर का डिटेल नहीं दिखा पाया। थकान ज़्यादा हो जाती है दिन जो है बहुत गर्मी होती है दिन। स्टार एजुकेशन एकेडमी जहाँ खालिद सर से मुझे मिलना है। उनके स्कूल की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है लॉकडाउन के कारण, पिछले एक साल से बंद पड़ा है। बीच में सरकार ने खोलने की इजाज़त दी थी लेकिन अभी कोरोना बढ़ जाने के बाद दोबारा उसको बंद कर दिया गया है। सारे बिहार के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शाम के 7 बजे तक खुला है, उसके बाद कर्फ्यू रात कर्फ्यू लगा दी गई है। तारापुर में तो एक साइड की दुकान 3 दिन खुलती है, दूसरे साइड की 3 दिन खुलती है, इस तरह से। अब हम गाजीपुर पहुंच गए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड पर ये प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल है। और ठीक प्राइमरी स्कूल के सामने जो है स्टार एजुकेशन एकेडमी है, जो सामने पीली बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है यही स्टार एजुकेशन एकेडमी है, जहाँ कंप्यूटर की फ्री पढ़ाई की जाती है दी जाती है। अब हम उतर गए हैं। 4 गाड़ियाँ हैं, चारों खस्ता हाल में है, शीशे वगैरह टूट गए हैं। स्टार एजुकेशन एकेडमी, स्टार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आपको ये रूहानी सफ़र दर्श कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको नया वीडियो दिखा सकूं। धन्यवाद।